The predicate of a sentence is the parts of sentence which tell something about the subject. यानी कि प्रेडिकेट विधेय जो होता है वह सेंटेंस का दूसरा भाग होता है और इसमें क्या होता है कि वह जो सब्जेक्ट होता है उसके बारे में कुछ बताता है. ए प्रेडिकेट पार्ट शुड हैव अ वर्ब एंड मी और नॉट हैव वन और मोर वर्ड्स आफ्टर इट. क्या होता है कि प्रेडिकेट पार्ट्स जो होता है उसमें या तो वर्ब होते हैं या वर्ब नहीं भी हो सकते हैं. नोट जनरली द सब्जेक्ट्स ऑफ अ सेंटेंस कम्स एट द बिगिंस ऑफ अ सेंटेंस एज इन द अबव एग्जांपल्स बट समटाइम्स इट्स मे बी पुट इन बिटवीन द प्रेडिकेट. साधारणतः क्या होता है, सामान्यतः कि जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो हमेशा सेंटेंस के प्रारंभ यानी कि शुरुआत में होते हैं. एज इन द एबव एग्जाम्पल, जैसे कि हमने पहले एग्जाम्पल्स में सब में देखा है कि सब्जेक्ट जो होते हैं वो सबसे पहले होते हैं और ये हमेशा कैपिटल लेटर में होते हैं. बट समटाइम्स इट मे बी पुट इन बिटवीन एंड प्रेडिकेट, और कभी कभार क्या होता है कि यह प्रेडिकेट के बीच में यानी कि प्रेडिकेट के बीच में भी यूज किए जाते हैं. हियर कम्स मीनू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गर्ल्स ऑफ आवर क्लास. यहाँ पे देखिए दो दो सब्जेक्ट हो गए, एक मीनू और यहाँ पे एक गर्ल्स. नाउ लुक एट द अबव सेंटेंस अगेन. इन द सेंटेंस नंबर वन वी आर टॉकिंग टू अमन, therefore Aman is a subject of sentence. In the same way Delhi teaches children and she are also a subject of the other sentence while the remaining parts of sentence are called a predicate. ऊपर में जो भी sentence दिए गए हैं इस sentence में जो blue indicated है ये सारे words जो होते हैं वो subject होते हैं और जो remaining parts यानी कि जो शेष भाग बचा है sentence का वो भाग हो गया हमारा predicate. Is that clear? Tick the correct option.